दारिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, हरा हरा महारे। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय रवि गायकवाड़ जी का, आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्रयोजन में। और यहां पे मैंने बहुत साल बाद मैंने देखा यहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, और आदरणीय ब्रह्म कुमारी जी से यहां पे गुरुजन पधारे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा दीपाली जी आपका कि यहां पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। साथ में यहां पे ऋतु बैठी हुई है, मेरे घर परिवार जैसी है। मैं ये कमाल की बात आप लोग से कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि मैं खास, आप तो बहुत शरीफ और अच्छे आदमी लगे मुझे आदरणीय रवि गायकवाड़ जी, बहुत ही धन्यवाद देता हूं आपका। परंतु मैं खास यहां पे आया जिस वक्त मैं एमपी था, मेरा पूरे घर परिवार का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे बैराग हो गया, मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल गया। बाहर इसीलिए निकला कि मुझे एक पल में पूरी दुनिया दिखाई दी। विरार गांव से निकल के हम लोग जिस वक्त यहां मीरा रोड आया करते थे, यहां क्या था, पूरा मीरा रोड जो है कीचड़ कीचड़ हुआ करता था। अब गुलाब हो या कमल, खिलता तो कीचड़ में ही है। तो यहां कीचड़ से कई लोग, खास तौर पे गरीब तबके के नीचे से ऊपर आए, उन्हीं में मैं गोविंद से गोविंदा हुआ। यह आप लोगों का ही आशीर्वाद है, कृपा है। परंतु यहां पर उपस्थित कई ऐसे अतिथिगण हैं, मैं अभी यहां पर इस मंच से नाम नहीं लूंगा, जिनके परिवार में यह हुआ है। ये एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे घर परिवार जो है उनमें कष्ट आते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की आवाज यहां से इस कदर बुलंद हो, लोग ऐसे होश में रहे कि किसी भी हालत में कभी जोश नहीं गवाए। जो आदमी खुद से ही वफादार नहीं होगा, वो कभी किसी से ईमानदार नहीं हो सकता। जिस वक्त आप प्रवास के लिए बाहर निकलते हैं, आपका ध्यान तो मंजिल पे हुआ करता है, परंतु बहुत जरूरी है कि आपकी नजर जो है वो राह पे रहे। और ये सिर्फ रास्ते पे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि लफ्जों को एहतियात से बरता करो, इनमें जान होती है। वाक्य शब्द ये भी कहीं हवा निकल जाए तो भी एक्सीडेंट होता है। बहुत ही एंटरटेनिंग और कॉमेडी की वार्तालाप कर रहे थे आदरणीय गुलशन जी, ये सबसे बड़ी कॉमेडी यहां पर साबर जी कर रहे थे। आप जो फिल्मों के गाने गा रहे थे साबर जी, हमका पीनी है पीनी है, अरे पीनी है तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ना, ऐसे पंगे नहीं करो भैया। फिर और क्या गाना गा रहे थे, भैया भैया प्रेम जाल में फंस गई, कभी नहीं फंसिएगा, मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, आदमी होश में नहीं रहता किसी तरह से। हम लोग विरार और ये नाला सोपारा वाले हैं, हमें फंसना नहीं है, फंसाना है। हम लोग मशहूर है कि हम लोग किसी के आटे में आते नहीं है, जब भी लेना है आटे में किसी को लेंगे। मैं पुलिस वर्ग के जितने भी हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं पुलिस घर परिवार से हूं। मेरे दादाजी पुलिस वर्ग में थे, एंड आई फील प्राउड अबाउट इट। और आज पुलिस वर्ग से निकले हुए कई घर परिवार हैं, और ये आवाज पूरे विश्व में निकले मीरा रोड से।
क्योंकि ब्रह्म देवता के बाद मैंने कहीं ब्रह्म मंदिर देखा है तो मीरा रोड में देखा है। ये हम लोग कमाल के लोग हैं, ये विरार के और नाला सोपारा वाले। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं पहले ड्रिंक किया करता था कभी कभी किसी जमाने में, तो ड्रिंक करता था मैं, तो मेरे हाथ से मैंने एक्सीडेंट किया। लकीली किसी के चोट नहीं पहुंची, लकीली हमें भी चोट नहीं लगी। और मेरे दोस्त ऐसे ईमानदार हैं, वो लटकी हुई गाड़ी जो है उसमें से कह रहे थे जा आयला बाजुल हो रही थी तुम, तुझे नाव फार है, तुझे नाव खराब ना वाला भाई जी, देवाने तुला एवढा इज्जत मान दिलाय, सम्मान दिलाय, कुठल्याही प्रकारचा त्रास ना व्हायला पाहिजे। हे असले जीवलग आपल्याला इथंच बघायला मिळतात या वर्गात। जसं जसं त्या बाजूला तुम्ही निघाल, टाइमच नाही कोणाकडे कोणाकडे बघायचं। आणि असल्या परिस्थितीत आपण हे केलंय आणि इथं फार असे अतिथी गण आलेत, मी जास्त हे वाढवणार नाही। थँक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। और आप जो कह रहे थे उसके हिसाब से एक एक गीत साबरी जी आपके लिए, क्योंकि आप मीरा रोड में है। सपनों में आए गोरी तेरे नैना, सपनों में आए नींद नहीं आए, नींद नहीं आए, नींद नहीं आए, हाय चैन नहीं आए गोरी तेरे नैना, सपनों में आए। जो बच्चे जहां हैं वो खुश रहे, माँ बाप का ख्याल रखे, और आप चाहते हैं कि आदरणीय गायकवाड़ जी की तरह आप लोग सब टॉप के हीरो हो जाए, गोविंद से गोविंदा हो जाए, तो मात्र चरण में रहे। जो माँ बाप की सेवा करेगा वो जरूर गोविंद से गोविंदा हो जाएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा बीमारी से निकला। आपले हिरो नंबर वन गोविंद यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत, आणि इतका सुंदर संवाद त्यांनी आपल्या बरोबर केला। आय वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द हिरो, इज अ व्हेरी नाइस पर्सन, मे गॉड ब्लेस यू, थँक्यू सो मच। आय रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट टू प्लीज स्टँड अप फॉर अ फोटो टुगेदर। मोबाइल Thank you so much. Please be seated. I would request all the dignitaries, everyone. Now I would request Mr. Mohammad Azharuddin, a cricketing legend who has captivated the cricket world with his elegant batting style and exceptional leadership skills, and who is also well respected for his political streak and social awareness. I would request Mr. Mohammad Azharuddin to please say a few words. रवि गायकवाड़ साहब और जितने भी लोग स्टेज पे, मेरे चहेते क्रिकेटर हरभजन सिंह और मेरे छोटे भाई जैसे रिमन भाई हैं, समीर भाई हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे मंच में बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, जो यहाँ पे जो पब्लिक है बहुत देर से बैठे हैं, मैं अभी आपका स्वागत करता हूँ, और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोग का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके बगैर मुंबई चल नहीं सकती। मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि
रोड पे अब सेफ्टी सेफ चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आजकल ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हुई क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, और जो रूल जब ब्रेक करते हैं तो जब भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप देखिए रात में कभी देर भी होती है तो 11 12 भी बजते हैं तो सिग्नल जब रेड लाइट होती है तो आप रेड लाइट को ब्रेक करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट इसका नाम ही एक्सीडेंट है कि क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन किधर से आ रहा है, कौन रुक रहा है और कौन रुकेगा नहीं। मैं ये बिल्कुल आप लोगों से जितने भी यहाँ पे लोग हैं मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के बेटे हैं और बेटियाँ हैं, लोग यही कहना चाहूँगा कि जो स्पेशली जो मोटरसाइकिल की जो ड्राइविंग जो राइड करते बच्चे लोग, अभी मैं आ रहा था जी तो मैं देख रहा था कि दो तीन लड़के बाइक चला रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक थी, वो अब हैदराबादी लैंग्वेज में उसको बहुत कटा मार रहे हैं यहाँ बोलते थे, तो मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे जिगजैग जा रहा था बट इतनी फास्ट जा रहे थे, तो वहाँ पे अगर खुदा ना खासा अगर टच भी होता कहीं तो मेन बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों, मैं जब 2011 में मेरे बेटे और मेरे बहन के बेटे का दोनों का एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और दोनों भी फौत हो गए थे, तो इसी वजह से हुए थे कि वो इतनी गाड़ी तेज़ चला रहे थे और उन्होंने गाड़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्लो चलाए तो आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, इधर राइट या लेफ्ट कहीं पे भी ले सकते हैं, जब आप फास्ट चलाते हैं तो कोई भी गाड़ी चाहे वो मोटर हो या चाहे वो मोटरसाइकिल हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये उमून देखिए मैं जानता हूँ कि इसका दुख इतना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जिस दिन एक्सीडेंट हुआ सुबह में मैं था नहीं इंडिया में, मैं इंग्लैंड में था, मैं हर दिन लोग जब इंग्लैंड में आप मैच